तो अभी के इस वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के जो है ना मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। आप जानते हैं कि हम लोग जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, समझे, चैप्टर बाय चैप्टर जो है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। हर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना होता है, समझे, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सारा का सारा मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो मैंने प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, उसके साथ उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, उसके साथ जो है ना ओरिजिनल जो मॉडल पेपर आएगा बिहार बोर्ड की तरफ से वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को है ना आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन के शून्य अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अल्फा कॉमा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस अल्फा इंटू बीटा वाला होता है फॉर्मूला सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ए। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना है, तो मतलब एक है, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट में माइनस चार है, मतलब ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपको क्या हो गया, सी हो गया। तो सी का जो वैल्यू है क्या हो गया, एक है। अब बट्टा में जब ए का जो मान है वो कितना है बाबू, तो यहाँ पर ए का जो मान यहाँ पर ना कुछ हो तो एक, तो मतलब एक से एक काटेंगे क्या होगा गुरु जी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में मेरी बात को, चलिए काफी शानदार आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल कमजोर छात्र जो है बिल्कुल ध्यान दीजिए और पूरे है ना अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। एक एक करके मैं निचोड़ करके पढ़ा रहा हूँ। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य जो है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर आप जो है ना फॉर्मूला में एक्सपर्ट है तो ही जाकर है ना मैथ को छुमंतर कर सकते हैं, अन्यथा जो है ना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला जो है ना याद कर लेना है। तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला जो बताता हूँ, समझिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एक एक करके मैं डिफाइन कर रहा हूँ और फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो C by A होता है। क्या होता है गुरुजी, वो यहाँ पर C by A होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C by A होता है, तो यहाँ पर C और बट्टा में A। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हमारा C है, और ये हमारा क्या है, D है। तो C का वैल्यू क्या है, माइनस तीन है, और यहाँ पर क्या है जी, इसमें C जो है ना प्लस में है, तो माइनस और प्लस कहीं ना कहीं कुछ तो देखेंगे ना जी। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तीन, बट्टा में ए का जो मान हुआ है क्या दिया हुआ, छह दिया हुआ, तो छह, तो तीन एक तीन और तीन दो ना छह, माइनस दिया हुआ तो माइनस लगा देंगे, एक बट्टा दो माइनस सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी माइनस दो हो जाएगा, एक बट्टा माइनस दो हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही पर अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक एक करके मैं उसके बाद है ना डिफाइन करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही मैंने प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताइए। एक द्विघात बहुपद इसका घात कितना आता है, दो, तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो का निकलता है, दो के उसमें शून्य निकलता है, इसलिए क्या होगा, दो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी बी हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद को पहचानने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जोरदार ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आपको सेट करना है दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन जिसके जिसके जो है ना बट्टा में एक्स आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा, तो इसलिए ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। समझ रहे, किसी भी है ना बहुपद के अगर बट्टा में एक्स आ जाता है तो बहुपद नहीं कहलाता। चलिए आगे बढ़ते, और यह में दिया पी एक्स बराबर जो है ना क्यू एक्स कॉमा जी एक्स, पी एक्स जो वैल्यू है वो क्यू एक्स और जी एक्स के बराबर है, तो कहता है पी का घात जो है ना एक सात है, जबकि जी का घात जो है कितना है तीन है, तो पी बट्टा में यहाँ पर पूछ रहा है पी एक्स बट्टा में, पी एक्स बट्टा में उसके बाद पी और जी एक्स, क्या है जी एक्स, ठीक है। ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यार ये कोई जो है ना पद जो है ना वो एक से उसके पावर कितना घात सात दिया होता है, सात मान लेंगे। उसके बाद ना कोई एक और पद है जिसका नाम है बहुपद जो है इसका नाम एक्स है, उसके घात जो है कितना दिया हुआ, यहाँ पर तीन दिया हुआ है, तो तीन यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों को पहला घात में से दूसरा घात निकालेंगे, तो यहाँ पर पी एक्स कितना है, तो एक्स के पावर सात है, उसमें से घटाएंगे तीन,
तो क्या निकलेगा, एक्स चार निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी, चार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर छह की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छह में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि बहुपद px का एक शून्य माइनस दो, जब आपको शून्य दिया हुआ तो याद रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर अल्फा का मान दिया हुआ माइनस दो। अगर शून्यकों का योग कहता तो मतलब क्या होता, अगर शून्यकों का योग कहता तो हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था माइनस दो, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर शून्य नहीं दिया हुआ तो इसमें ये नियम नहीं काम करेगा। तो अल्फा का मान दिया हुआ माइनस दो, लिखेंगे कौन px का एक गुणनखंड है, मतलब क्या होता है, एक शून्य दिया हुआ दो लिखा हुआ, ठीक है, तो px का मान क्या होगा ये आपको बताना है, बताइए। तो देखिए ये आपको एक शून्य दे चुका है, माइनस दो दिया हुआ, तो शून्य निकालने के लिए गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड में क्या होगा, एक और यहाँ पर माइनस टू दिया हुआ है तो बराबर में उधर जाएगा माइनस टू। अब इसको शून्य निकालने के लिए जीरो बैठाना पड़ेगा ना, तो इस जीरो बैठाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो x और ये माइनस इधर आया तो प्लस टू बराबर जीरो, तो मतलब x प्लस टू दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यही प्रश्न दिया हुआ है, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप चैप्टर वन को नहीं देखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरे चैप्टर को हम विस्तार से तो पढ़ेंगे और 15 से 20 दिन के अंदर में पूरे चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सेमटप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जल्द से जल्द समझिए, आपको दो से तीन दिन पहले ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ना आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल पर बने रहे, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन माइनस फाइव, ठीक है, तो अल्फा का बीटा हो तो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन इंटू में अल्फा प्लस वन इंटू में बीटा प्लस वन का मान दिया हो, निकालना क्या करना है, यहाँ पर निकालना। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले ग्राफ में चलते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं, एक सादा पेपर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन दिया होता क्या दिया होता, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में एक्स प्लस वन माइनस फाइव, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में एक्स प्लस वन इंटू में माइनस फाइव दिया हुआ, ठीक है, जैसा कि दिया होता उसे मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण निकालेंगे, क्योंकि ये समीकरण के रूप में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद जो है ना तीन से एक्स में गुणा क्या होगा तीन एक्स, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, और तीन से वन में गुणा तो तीन हो जाएगा माइनस फाइव। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा तो माइनस थ्री एक्स माइनस तीन और माइनस फाइव माइनस आठ हो जाएगा ना जी, तो यहाँ पर क्या होगा ये हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि अल्फा प्लस वन इंटू में बीटा प्लस वन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर गुना जो इसको करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद है ना इससे इसमें गुना करेंगे तो ना क्या होगा अल्फा हो जाएगा, तो प्लस अल्फा फिर उसके बाद प्लस उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा बीटा हो जाएगा, और इससे इसमें यानी कि वन से वन में गुना करेंगे क्या होगा वन हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको इस तरह से घेर लेंगे ताकि फॉर्मूला बन जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बन गया, उसके बाद प्लस उसके बाद क्या बन गया, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बन गया, क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस वन दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला जो होता है अल्फा अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है वो होता है माइनस बी बाई ए होता है, जो सी का जो मान है ये सी होता है ये बी होता है ये क्या होता है ए होता है, तो सी का मान माइनस आठ दिया हुआ, ठीक है, और बी का मान क्या है माइनस तीन, तो यहाँ पर पूछ रहा है बी का ना, तो माइनस तीन पहले से है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर तीन हो जाएगा बट्टा में ए का मान यहाँ पर क्या है ना कुछ होता है एक, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो गया कितना आया तीन आ गया, इस बात को याद रखिएगा। अब हमको निकालना क्या है अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था जी अल्फा लिखा हुआ था, ठीक है, चलिए तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सी बाई ए होता है, तो सी का मान क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस एट हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू हो क्या हो गया माइनस एट हो गया। ठीक है, अब यही मान इसको रखना है इसमें, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस एट प्लस का प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाल के दिखाया ना तीन, तो यहाँ पर तीन प्लस वन, तो क्या होगा यहाँ पर, तो आठ में से तीन जाएगा तो क्या बचेगा माइनस पांच, माइनस पांच में से फिर तीन जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा चार, उसके बाद माइनस आठ, माइनस चार में से आठ जाएगा क्या बचेगा माइनस चार बचेगा। ठीक है,
माइनस आठ में से चार जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस चार। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है माइनस चार। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, चलिए काफी शानदार आगे बढ़ते हैं। और यह मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ, क्वेश्चन नंबर आठ में जो ना कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम मतलब उल्टा है तो क्यू का मान क्या होगा जी। तो देखिए उल्टा मतलब दिया हुआ तो इसमें क्यू का मान क्या होगा तो माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही मेरा प्रश्न कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नौ को फाइंड करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक बहुपद के द्विघात, किसी एक द्विघात बहुपद के शून्य जो है ना माइनस दो दिया हुआ है और छह दिया हुआ है, तो शून्य दिया हुआ, शून्यकों का योग नहीं दिया हुआ है। आपको याद रखना शून्य का मतलब होता है अल्फा का मान दिया हुआ माइनस दो, और बीटा का मान क्या कितना दिया हुआ है तो छह दिया हुआ, तो छह लिख देंगे। अब आपको क्वेश्चन को है ना आंसर में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस होना अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में लगा देंगे उसको प्लस एक्स इंटू में प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस का माइनस, अल्फा का मान कितना है तो आपको जानते हैं यहाँ पर माइनस दो है तो माइनस दो प्लस, और बीटा का मान कितना है तो बीटा का मान छ है तो छह लिख देंगे और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा का मान माइनस माइनस दो है और गुने बीटा का मान छ है तो छह गुना क्या होगा बार, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस और घटा देंगे तो छह में से आठ, छह में से दो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे चार। ठीक है, और एक्स है एक्स और छह दोनों बारह, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस बारह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन देखेंगे कहाँ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस बारह, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए में जाएगा जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है दस के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दस में इस पर क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो का आलेखीय क्या होगा बताइए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन देखा है तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो बी परवल्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर ग्यारह के, शून्य जो है ना दो कमा आठ वाले बहुपद की संख्या कितना होता है तो ये एक होता है, क्या होता है एक, क्योंकि यह चार पद है तो इसका है ना शून्य को किया क्या होगा एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बहुपद होंगे क्या होगा एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया किसी बहुपद, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक जो है ना शून्यक यदि दो है और छह है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि शून्यक मतलब अल्फा का मान दो दिया हुआ है और बीटा का मान कितना दिया हुआ है छह दिया हुआ है, तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो आप जानते ना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस और फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बहुपद निकालने का इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस और अल्फा का मान कितना है दो है तो यहाँ पर लिख देंगे दो प्लस और बीटा का मान छः है तो छः लिख देंगे इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू अल्फा का मान दो है तो यहाँ पर दो लिख देंगे इंटू बीटा का मान छः है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए छः दो कितना हुआ आठ और माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस आठ, एक्स का एक्स और माइनस और छः दोनों क्या होगा माइनस नहीं है प्लस है तो छः दोना बारह, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं माइनस आठ प्लस बारह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस आठ प्लस बारह ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यही में है ना हमारा जो क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर तेरह, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस सोलह वाई प्लस पचपन के शून्य क्या होगा। तो देखिए इसको जो निकालिएगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको गौर से समझिए, वाई स्क्वायर प्लस सोलह वाई प्लस पचपन, इसका जो है ना क्या निकालना है शून्य निकालना है, तो क्या करना है गुना करने पर पचपन आना चाहिए प्लस में, गुना करने पर पचपन आना चाहिए प्लस में और जोड़ने कराने पर सोलह आना चाहिए, तो हम गुना करेंगे तो ग्यारह गुने पांच होगा, तो ग्यारह पांच कितना होगा पचपन, पचपन आ गया ना, और ग्यारह पांच जोड़ने क्या होगा सोलह आ जाएगा, तो मतलब क्या होता है ग्यारह और प्लस पांच हो जाएगा प्लस ग्यारह प्लस पांच, इसको जब शून्य की तरफ बेहे ना यानी कि शून्य की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो इसको जो हो जाएगी प्लस में दिया हुआ है तो ये उधर जाने के तो शून्य के बाद उधर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, तो मतलब दोनों ऋणात्मक होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए निकाल कर निकालिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चौदह है, यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस के शून्य एक दूसरे क्या व्युत्क्रम है तो क्या होगा, के का मान क्या पूछ रहा है, के का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे आपको समझना है। ठीक है,
इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन को जो है यहाँ पर देखिए ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ए का मान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है, तो ए का मान जो है ना आपको दो दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है, तो पांच ही दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में पांच है। और सी का जो मान है, सी का मान क्या दिया हुआ है, तो के दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, के निकालना है आपको, के फाइंड आउट निकालना करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे मनाएंगे, तो यहाँ पर जो है इसको मानेंगे जो है सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे, समझे। मान लो कोई है ना, सुनिए जो है ना अल्फा, समझे, तो उसका जो है ना उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस हो उसका जो उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यहाँ पर वन प्लस अल्फा हो जाएगा। इसका अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। अब यहीं पर ना यहाँ पर एक क्या शून्य निकालेंगे, जब इसका योग निकाले ना, अभी योग निकाले तो आपका शून्य का भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो अल्फा इंटू क्या होगा बीटा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं, इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमें अल्फा इंटू बीटा में फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया अल्फा का मान मतलब अल्फा और बीटा का मान वन बाय अल्फा, तो इसी तरह यहाँ पर लिखा अल्फा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान वन बाय अल्फा। यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अब यहाँ देखिए ए से ये कट जाएगा, ठीक है। अब सी का मान रखेंगे, बी का मान क्या है, तो बी का मान यहाँ पर पांच है प्लस में, यहाँ पर बी का मान प्लस में है, यहाँ पर बी का मान माइनस में है, माइनस पांच, अब बट्टा में ए का मान दो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सी का जो मान है वो कितना है बताइए, तो सी का मान यहाँ पे देखेंगे के है, तो यहाँ पे लिखेंगे के, अब बट्टा में ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपको फाइव है, ठीक है। ए का मान दो है, दो यहाँ पे लिखेंगे दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आपको के का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे इसमें आपको गुना करना है, और यहाँ पर इससे यहाँ पर ना कुछ हो तो एक, तो इससे हम गुना करेंगे, तो के से जब आप गुना करेंगे किसमें, दो में, ये तो दो हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, तो देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, सॉरी के का मान प्लस में नहीं है, माइनस में है, के का मान माइनस में, बाबू के का मान क्या है, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, तो ईद माइनस इधर जाएगा, तो माइनस दो हो जाएगा, हाँ ठीक है, माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर के का मान माइनस दो में, माइनस में लिखा हुआ, तो माइनस ले देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर जो है ना 14, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि यदि पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर जो है ना वन प्लस फाइव एक्स माइनस 12, तो पी वन का मान मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको पी एक्स दिया हुआ, तो एक्स के आप यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर वन दे दिया, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पर जहां जहां एक्स होगा वहां पर क्या रखेंगे, वन, एक्स का मान क्या रखेंगे, वन रखेंगे, तो यहाँ पर वन का स्क्वायर करेंगे, तो वन स्क्वायर प्लस पांच गुने वन का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और माइनस 12 का 12, एक का स्क्वायर होता है एक, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर एक और प्लस का प्लस और पांच का पांच गुने, और फिर एक का स्क्वायर क्या होता है, पहले स्क्वायर का काम होगा, माइनस का माइनस 12, यहाँ पर एक अब प्लस अब पांच के इसमें गुने पांच और माइनस 12, पांच एक कितना हुआ छः, छः में छः 12 जाएगा, तो क्या माइनस 6 बजेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, यहाँ पर नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, माइनस 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के, तो बढ़ते हैं, कहता है किसी बहुपद की घात कितना होता है, किसी भी बहुपद की घात या तो पूर्ण होता है नहीं तो पूर्णांक होता है, समझिए, नहीं तो धनात्मक होता है नहीं तो ऋणात्मक होता है, यहाँ पर दोनों नहीं दिया हुआ, इसलिए अगर ये दोनों रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है पूर्ण दिया हुआ, तो पूर्ण में क्या होगा, जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। चलिए यहाँ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 के, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, 21, 18, 15 का कौन सा पद क्या है, शून्य, यहाँ मतलब क्या होता है कि कोई संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 21, 18 उसके बाद 15, अभी इसको शून्य लाना है, तो क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, तो 18 से 21 जाएगा उसका 3, तो 3 इसको माइनस करते चले तो 12 बन जाएगा, फिर कितना बन जाएगा, 9 बनेगा, फिर 3 बजेगा उसको 0। अब इसको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 7 हो गया जी, क्या हो गया जी, 7, 18, 15 और 21, 12, फिर 9, फिर यहाँ पर 6 हो गया जी, 6 छूट गया, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 6 छूट गया ना, 9 के बाद 3 घटाएंगे तो 6 ना आ जाएगा।
चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? आपको मैंने पहले बताया कि बहुपद कौन नहीं है, तो ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बताइए 18 का क्या होगा आंसर। जी आप लोग बताइए 18 का क्या होगा। सभी बच्चों का आ रहा है जी बिल्कुल, ये ए बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में x दिया रहता है, x स्क्वायर दिया रहता है, x 3 दिया रहता है, लेकिन इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही मैंने प्रश्न पूछता है यहाँ, देखिए क्वेश्चन 19 काफी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है कि घात एक वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, और दो घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात, और तीन घात वाले बहुपद जिसका घात कितना होगा 3, तो क्या होगा त्रिघात कहलाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और 20 के बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है डी, देखेंगे तो क्या है गुरु जी ऑप्शन नंबर सी, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कौन रैखिक बहुपद है, रेखीय बहुपद, रैखिक मतलब होता है रैखिक के मतलब रेखीय होता है। ठीक है तो रैखिक जो है ना, रैखिक पूछ रहा है इसमें, रैखिक में रेखीय रेखीय पूछ रहा है। ठीक है तो यहाँ पर देखिये, यहाँ पर एक रैखिक मतलब होता है जिसका घात एक होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें घात दो है, द्विघात है, यह भी द्विघात है, ये द्विघात नहीं है यहाँ पर, लेकिन ज्यादा है ना मान, इसलिए एक एक बहुपद नहीं कराएगा, रैखिक बहुपद नहीं कराएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते, काफी शानदार है कि यहाँ पर बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल मतलब था अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल मतलब शून्यक का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब यहाँ से सी का मान देखेंगे, ए का मान माइनस, ए का मान प्लस 4, बी का मान माइनस 4 और सी का मान प्लस 1, तो यहाँ पर 1 और बट्टा में ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ पर देख रहे हैं माइनस 4 है, तो माइनस 4 मतलब क्या होता है, 1/4, ऑप्शन कहेंगे सी में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, यदि बहुपद पी एक्स बराबर जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य जो है ना अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो अभी मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब यहाँ देखिए, एक सी का मान ये है और बी का मान ये है और ए का मान यहाँ पर ना कुछ तो एक है, मतलब सी का मान कितना है 5 है, बट्टा में ए का मान 1 है, ए से काटेंगे क्या होगा 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे ए में जाएगा सही जवाब। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग के लिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आपका एग्जाम से पहले मैं पूरा का पूरा समाप्त कर देने वाला हूँ। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है, मूलों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग होता है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे चुका है कितना 2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल 15 दिया हुआ। तो कह रहा है कि आप द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस होता है माइनस और इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस जो है ना अल्फा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे और एक्स का एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15 दिया हुआ है 15। अब ढूंढेंगे इस तरह का क्वेश्चन कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है यदि आपको पीडीएफ देना है तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वेबसाइट से भी बताएंगे कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है चलिए यहाँ थोड़ा सा नहीं नजर मार लीजिए। ठीक है क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ क्वेश्चन कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप जो है ना सीधे याद रखिएगा एक्स स्क्वायर दिया हुआ माइनस 11, तो इसको क्या करना है शून्य निकालने के लिए एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स निकालेंगे तो स्क्वायर कहाँ जाएगा रूट में जाएगा, तो एक मरतब प्लस में एक मरतब माइनस में। ठीक है तो एक मरतब प्लस रूट एक मरतब माइनस रूट कहाँ जाएगा, एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है इसमें रूट नहीं दिया हुआ इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू, आगे आना आगे प्रश्न जो दिया हुआ काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्य जो है ना 4.7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितना होगा, तो 4.7 जिसको घटा रहे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसमें आपको पहचानना है कौन बहुपद है बताइए, तो बीच में रूट में जो बीच होता है बीच में जो रूट होता है वो बहुपद नहीं कहलाएगा, तो इसके बीच में भी रूट दिया हुआ ये बहुपद नहीं कहलाएगा, इस ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें माइनस 1 आ गया, आपको याद रखिए इस तरह से रहता तो हो सकता था लेकिन ये नहीं होगा, तो ये बट्टा वाला जो है ना आंसर हो जाएगा। ठीक है
यहाँ पे स्क्वायर दिया था इसलिए सही होगा, अगर एक्स दिया था तो गलत हो जाता, ठीक है। तो चलिए इस तरह का जो है ना क्वेश्चन इस प्रकार आपको मिलेगा, तो कैसे इसको बनाना है देखिए, मैं इजी स्टेप में बता रहा हूँ, आपको समझना है क्लियर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्य अल्फा कमा बीटा हो तो तब क्या होगा, वह अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा किसके बराबर होगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिया यहाँ देख लीजिए, तो चलिए मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लिखकर बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। और ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, हमसे पूछ रहा है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है, ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ले आएंगे, और माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य को गुणनफल सी बाई ए, तो बी का मान कितना है, तो यहाँ पर प्लस तीन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तीन, तो मतलब बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, माइनस तीन। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान सी, मान सी होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी होता है, तो सी का मान कितना दिया, प्लस पाँच दिया, तो पाँच बट्टा में ना कुछ होता है एक, मतलब एक से काटेंगे तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी एक होगा लेकिन उसको काटेंगे तो उतना ही आएगा। तो मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला को सोल्व करें, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अब यहाँ से बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा, अल्फा से अल्फा में गुणा करेंगे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा, बीटा से बीटा में गुणा करेंगे क्या होगा, बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब अल्फा का मान यहाँ पर रखेंगे, बीटा का मान यहाँ पर रखेंगे, मान निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस तीन, तो तीन माइनस तीन होंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस का माइनस, टू का टू और गुणे, और बीटा का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, बीटा का मान, बीटा का मान पाँच आया था ना यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान पाँच रखेंगे, तो पाँच रखेंगे। अब बट्टा में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है माइनस तीन गुणे पाँच, ठीक है। अल्फा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा पाँच ना है जी, पाँच रखेंगे, सिर्फ पाँच, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, सिर्फ पाँच रखेंगे, इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको है ना यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, तीन का स्क्वायर नौ, माइनस पंद्रह दस, बट्टा में क्या होगा, पाँच, तो नौ में से दस जाएगा माइनस एक, बट्टा में पाँच, और आप देखेंगे ऑप्शन कहाँ जाएगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, उनचालीस में उनतीस में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए और बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक के मूल हो तो वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा का जो मान क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ना क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इसका जो फॉर्मूला आता है वो माइनस बी बाय सी होता है, क्या होता है, माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय सी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए ए का जो मान है वो क्या है, तो ए का मान एक है, बी का मान कितना है, तो बी का मान माइनस एक है, ठीक है, माइनस एक, और सी का मान जो मान है वो माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है माइनस बी बाय सी है, तो बी का मान सी है ना, सी, तो बी का मान कितना है, तो माइनस वन है, माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वन, बट्टा में सी का मान कितना है, तो माइनस वन, सी का मान माइनस वन, काटेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस वन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह मेरे क्वेश्चन नंबर तीस के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीस में काफी शानदार क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद के, किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, कोई एक द्विघात बहुपद उसका शून्यकों का योग दिया होगा, कितना दिया हुआ, तो माइनस चार दिया हुआ, क्या दिया हुआ, माइनस चार, तथा शून्यकों का गुणनफल माइनस पांच है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस चार है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, पांच दिया हुआ, मतलब शून्यकों का योग यही होता अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, तो कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, किस द्विघात बहुपद,
किसी द्विघात बहुपद के शून्य को यहाँ पर किसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए मैं चलिए आपको मैं बता रहा हूँ, तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस जो है ना अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस और अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस चार आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया जी, तो माइनस चार दिए हुआ ना जी, हाँ तो माइनस चार यहाँ पर लिख देंगे और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस पाँच दिए हुआ, देखिए माइनस पाँच दिए हुआ तो माइनस पाँच लिख देंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या करेंगे ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 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 क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस और चार का चार इंटू एक्स और यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाता है माइनस पाँच। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आंसर, तो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस पाँच, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस पाँच, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस पाँच कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर क्वेश्चन नंबर जो है ना कहता है क्वेश्चन नंबर इकतीस कि यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना है, कोई भी द्विघात बहुपद जिसका शून्य की संख्या कितना दो होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही मेरा क्वेश्चन नंबर प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर इकतीस, क्वेश्चन नंबर इकतीस कहता है यानी कि कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होता है, कितना होता है दो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बत्तीस के बढ़ते, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो रूट वाला जो है बीच में होगा क्या है बहुपद नहीं कहलाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी बहुपद नहीं होगा, तो क्या होगा जी बताइए, जब दो बहुपद यहाँ पर एक बत्तीस है जी, बत्तीस का आंसर क्या होगा बताइए थोड़ा सा, चार ऑप्शन दिया हुआ बहुपद कौन नहीं होगा थोड़ा सा गौर से देखिए और इसका आंसर बताइए कौन होगा, अभी तक आपको कमेंट नहीं आया, आपके कमेंट के चक्कर में रुके हुए इसका आंसर तो फटाक दिन बता देंगे आप बताइए, मैंने तो पहले बताया ना सिखाया हूँ ना, तो उसी के हिसाब से आप बताइए बत्तीस का आंसर क्या होगा, बहुपद नहीं है ना जी, नहीं है तो कौन होगा, ये तो बहुपद हो जाएगा क्योंकि आप दो रूट दिया हुआ, अगर बीच में खाली रूट रहता तो नहीं होता, लेकिन ये नहीं है बहुपद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तैतीस के बढ़ते, तो द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर माइनस छ वाई प्लस आठ का घात कितना होगा, तो इसका सबसे पावर जिसके घात में सबसे पावर में ज्यादा रहेगा वही होगा, तो सबसे पावर इसी के पास है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहता है क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चौंतीस कहता है एफ एक्स बराबर जो है इतना दिए हुआ एफ और एक्स के जगह क्या है वन दिया हुआ, तो आपको मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ था क्या एक्स की, उसके बाद क्या दिया हुआ था माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया हुआ था प्लस टू एक्स प्लस दिया हुआ है टू। अब यहाँ पर एक्स के यहाँ पर क्या रखना है वन रखना है, आपको यहाँ पर दिया हुआ एफ और एक्स, एक्स के यहाँ पर वन दिया हुआ, तो वन का क्यों करेंगे माइनस पाँच का पाँच गुने और एक्स के यहाँ पर क्या रखना है वन रखना है, ठीक तो वन का स्क्वायर उसके बाद प्लस टू अब गुने वन अब प्लस टू, सबसे पहले स्क्वायर का काम करेंगे, तो एक का क्यों करना होगा एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ स्क्वायर वाई है ना, यहाँ पर एक से लिख दिया चलिए कोई बात नहीं है बात मान लीजिएगा, एक का स्क्वायर एक माइनस अब पाँच अब उन्हें एक का स्क्वायर एक अब प्लस हो जाना दो से एक में गुणा तो क्या होगा दो प्लस दो, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस माइनस पाँच, पाँच से एक में गुणा तो माइनस पाँच प्लस दो प्लस दो दो चार चार एक नौ पाँच पाँच में पाँच जाएगा क्या हो जाएगा जीरो जी, इसका जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मतलब जीरो आ गया ना था जीरो आ गया। चलिए आगे बढ़ते कहता है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जी वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू के शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माना बी बी वाई ए तो अल्फा बी का मान क्या है माइनस की प्लस तो प्लस तीन दिया हुआ यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस तीन अब बट्टा में ए का मान यहाँ पर ना कुछ होते माइनस तीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा सही आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ती है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया वाई वाई स्क्वायर इंटू में उसके बाद वन बाई वाई प्लस वन बाई वाई प्लस थ्री इसको कैसे बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे ठीक है ये गुना में है इसको गुना में है तो सबको गुना करेंगे ठीक है दोनों को क्या करेंगे दोनों तरफ गुना करेंगे आपस। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छत्तीस में दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर उसके बाद इंटू में दिया वन बाई वाई प्लस थ्री दिया हुआ ठीक है तो इसको क्या करना है दोनों को गुना होगा इससे इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा
तो वाई स्क्वायर से गुना करेंगे वन वाई वाई प्लस फिर वाई से इस वाई स्क्वायर से गुना करेंगे थ्री में, तो थ्री वाई हो जाएगा। ठीक है, एक वाई से एक वाई कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, वाई बचेगा प्लस थ्री वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है ना छत्तीस हो गया जी, छत्तीस का डी ऑप्शन नंबर सैंतीस के क्वेश्चन नंबर सैंतीस। यदि पी एक्स यदि बहुपद पी एक्स का एक अभाज्य गुणनखंड एक्स प्लस वन हो तो पी एक्स का मान क्या होगा बताइए। तो एक्स प्लस वन मतलब शून्य का पूछ रहा है, एक शून्य क्या होगा, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, शून्य के निकालने के लिए जीरो, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये प्लस उधर जाए तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए ना ए हो जाएगा, मतलब एक शून्य क्या होगा माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अड़तीस के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अड़तीस में दिया यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस आठ के शून्यकों का योग छः है तो के का मान क्या है। तो शून्यकों का योग मतलब क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बराबर माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ शून्यकों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, छः दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे छः, तो के का मान क्या होगा ना, ये नहीं पूछ रहा है। तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी, तो के का मान जो है ना पूछ रहा है आपको क्या होगा। ठीक है, तो बी के जब के है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होगा, छः दिया हुआ है तो छः बराबर, और के का जो है ना के लिख देंगे बट्टा में, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस ना हो जाए तो के हो जाएगा, अब बट्टा में ए का मान कितना है एक, तो इसे यहाँ पर गुना करेंगे तो छः कम छः और के से गुना है तो के बराबर क्या होगा छः। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, अड़तीस का क्या होगा जी, जी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहता है क्वेश्चन नंबर 39 में द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होता है बताइए। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या दो होता है। ठीक है, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्या होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 40 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ देखिए एम के किस मान के लिए माइनस चार जो है ना बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एम एक्स माइनस टू एम प्लस टू होगा। ठीक है, क्या शून्यक होगा, तो एम के किस मान के लिए, तो यहाँ पे एक शून्यक दिया हुआ मतलब एक का मान माइनस चार दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में उसके बाद माइनस यहाँ पर होगा माइनस, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ टू एम प्लस टू दिया हुआ। ठीक है, टू एम प्लस टू दिया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं टू प्लस टू है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको देखिए, यहाँ पर पूछ रहा क्या कि माइनस चार आपको दिया हुआ मतलब किसी बहुपद का मान दिया हुआ माइनस चार। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर क्या रखना है, माइनस चार रखना है, क्या रखना है माइनस आपको चार रख देना है। ठीक है, माइनस चार आपको रख देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ले लेता हूँ, तो माइनस चार उसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस एक्स गुने एक्स से यहाँ पर चार रखना है ना जी, चार माइनस टू और एम प्लस टू हो जाएगा, माइनस चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा, माइनस चार माइनस टू एम माइनस टू है प्लस माइनस माइनस टू हो जाएगा, तो क्या होगा सोलह माइनस और चार माइनस छः हो जाएगा माइनस टू एम। उसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ पर देखिए, बराबर शून्य के निकालना है तो बराबर जीरो देंगे, यहाँ से निकालेंगे सोलह में से चार जाते क्या हो जाएगा दस माइनस टू एम, तो क्या निकलेगा यहाँ पर बराबर जीरो, तो यहाँ माइनस टू एम बराबर हो जाएगा माइनस प्लस है तो उधर जाएगा माइनस दस, काटेंगे दो पंचे दस हो जाएगा, तो एम का मान क्या होगा पाँच हो जाएगा, कितना होगा पाँच हो जाएगा। ठीक है, एम का मान क्या होगा यहाँ पर पाँच हो जाएगा। ठीक है, तो दो थोड़ा सा देख लेते हैं, एम का मान पाँच यहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका शून्य निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको शून्य निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का शून्य निकालना है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस तीन, जोड़ने करने पर दो आना चाहिए माइनस दो, तो क्या होगा जी, तो गुणा करने पर माइनस तीन, तो तीन से एक में गुणा करेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा, माइनस लगा देंगे और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस तीन से एक में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस तीन, और उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस तीन रुपये में से एक रुपया जाएगा तो माइनस दो रुपया बच गया ना, तो यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है तो उधर जाएगा शून्य में हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस में दिया हुआ है
यहाँ पर क्या है, ये प्लस में दिया हुआ, प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो तीन और एक आ जाएगा, तीन और एक रहेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, आपको गुणनखंड तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या आता है। तो अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और माइनस क्या होता है, बी बाय ए होता है। तो यहाँ पर बी का मान क्या है, तो बी का मान -14 दिया हुआ, माइनस है, इट मीन्स है, तो माइनस माइनस प्लस 14 बट्टा में ए का मान क्या है, 5 है, तो 14 बट्टा 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 43 में, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x² + 13x + k के एक मूल एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम पाती है, तो k का मान क्या है। तो इस तरह का फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ, जो चीज क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें क्वेश्चन लिख देते, 5x² + 13x + k क्या लिखा हुआ, 5x² + 13x + k तो यहाँ लिख देंगे 5x² + 13x + k। तो k का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए कोई शून्य के लिख लेंगे कि कोई शून्य अल्फा है उसका आना, तो अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा होगा, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती उसका क्या होता है, इसका मतलब उल्टा, एक्स का उल्टा क्या होगा, 1/x हो जाएगा, बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, और इसी का शून्य निकालेंगे तो 1/1 × 1/α हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या होता है, c/a। अभी अल्फा से अल्फा क्या होगा, कैंसिल, अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या है, 1 और बराबर, और c का मान देखिए क्या दिया हुआ, c का मान क्या दिया हुआ, अब बट्टा में a का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 1 से k में गुणा, 5 में गुणा था 5, बट्टा में 1 से k में गुणा था k, तो k का मान क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, k का मान क्या आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य क्या होगा, बताइए शून्य भी इसका फिर से निकालना है, तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों प्लस में होगा, तब जाकर ये क्या होगा, गुणा करने पर आएगा प्लस में, प्लस प्लस गुणा करने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इसी को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों प्लस में, तो उधर जाए तो दोनों माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 और 1, ये 2 और 1 यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ। ठीक है, शून्य निकालने के लिए उस साइड भेजाएंगे, 0 के उस साइड में तो भेजाएगा माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में, बहुपद x² - 3 का शून्य क्या होगा, बताइए x² - 3, तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, x² - 3 जो दिया हुआ, यहाँ से x निकालना है तो रूट अंडर भेजेंगे -3, एक मरतब प्लस में, एक मरतब माइनस में। ठीक है, तो एक मरतब √3 हो जाएगा प्लस में, एक मरतब माइनस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा बहुपद क्या है, f(x² + x+1 के मूल है ना, 1/α + 1/β का मान क्या होगा, तो 1/α + 1/β का फॉर्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है, तो -b/c होता है, -b/c होता है। ठीक है, तो b का मान कितना है, तो यहाँ देखिए b का मान प्लस 1 दिया हुआ, तो प्लस और इसमें माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -1, अब बट्टा में c का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर ना कुछ a का मान कितना दिया हुआ, तो ना कुछ a, तो -1 हो जाएगा, इसका नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते तो यह दिया हुआ, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b, मूलों का योग ये नहीं होता है, तो b का मान कितना है, -4, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और बट्टे में एक, मतलब 4 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो चलिए इसका जो हम आंसर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद कौन है आपको बताना है, तो देखिए ये तो बहुपद होगा नहीं, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, तो क्या होगा, 48 का बताइए, 48 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, जल्दी बताइए, आपको बहुपद पहचाने तो आ गया ना जी, तो आप आंसर बताइए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा, इनमें कोई बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर से पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, बताइए कौन नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, बताइए आप कौन नहीं है जी, ऑप्शन नंबर सी, बहुपद नहीं है,
ये बफर नहीं है, ठीक है, ये बफर है ना, ये भी बफर है, यहाँ पर क्यों दिया हुआ ना जी, ये भी बफर है, बीच में अगर रूट लगा रहता है तो बफर नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ना क्वेश्चन जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 है। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितना होता है, शून्यों की संख्या 3/5 है, और यानी इतना दिया हुआ, तो शून्यकों की संख्या दिया हुआ, ठीक है, शून्य को दिया हुआ मतलब शून्य का आपको दिया हुआ, शून्यकों का योग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें कहता है कि ये कौन सा है, इसका आंसर होगा बहुपद पूछ रहा है इसमें, तो 3/5 माइनस 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3/5 माइनस 1/2, 3/5 और माइनस 1/2 दिया हुआ, ये दो चीज दिया हुआ, तो शून्य दो चीज दोनों का शून्य दिया, मतलब अल्फा का मान कितना है 3/5, अब बीटा का मान कितना है तो माइनस 1/2 दिया। तो क्या करेंगे, बहुपद निकालेंगे, क्या करेंगे बहुपद, बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो आप जानते हैं कि बहुपद का फॉर्मूला निकालने के लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है तो माइनस 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है तो 1/2 माइनस 1/2, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, चलिए आगे देखेंगे। 3/5 क्या होगा, 5 गुने क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस 1/2 दिया। तो क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे यहाँ पर माइनस को माइनस लगा देंगे, दोनों का जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 3 + -1 और उसके बाद ना इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे क्या होगा, 3 × 2 = 6 कट जाएगा, तो -2 - 2/5 क्या होगा 5, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस से गुना घटा देंगे तो क्या होगा +2 - 2/4 उसके बाद है ना एक्स -2/5 इसको काटेंगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 तो एक्स स्क्वायर -1/2 x -2/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 x -2/5 देखते हैं थोड़ा सा कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ये 50 का ये में से सभी गलत है, ठीक है, यहाँ पर नहीं ना आया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग 50 प्रश्न इसमें दिया था चैप्टर नंबर 2 में, जो कि मैंने पूरा संपूर्ण ध्यान आपको क्लियर कराया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्रिय मित्र, तब तक आप सभी का धन्यवाद।